तो गाइज आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से ब्लॉग में। तो आज है हल्दी जो कि आज तिलक जाता है, ठीक है। तो अभी हम एकदम शांत जगह पे हैं जहाँ पे मतलब कम हो आवाज़, तो ट्राई किए हैं आवाज़ ना ही आए, लगभग आ ही रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड बहुत है, बैकग्राउंड नॉइज़ सॉरी बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आज तिलक जाता है तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, शूट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम म्यूज़िक ही देंगे इसलिए, क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज रहेगा तो दे नहीं सकते इसलिए, ठीक है ना। तो ज़रा आप देख लीजिएगा, तो म्यूज़िक देते हैं, तो चलिए चलते हैं। बाल उठ सही कर लो, देखो ठीक है मेरा बाल ही, भाई क्या कर सकते हैं। अरे भाई जूम गया, अभी बहुत गर्मी है। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बेचारा शर्माता ही बहुत, आइए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब सामान ये सब जो भी जाता है वो सब सब गाड़ी में रखा है। सब लोग हैं,
चलिए अब आपको मिलते हैं थोड़ा देर के बाद, अब बस इतना ही। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं तिलक में, जो कि मेरे मतलब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं और देखिए, ये है पटना का जेपी सेतु पुल जो कि बहुत फेमस है। तो चलिए देखिए और आपको मिलते हैं सीधा वहीं पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं और क्या। तो गाइज़ अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा सा चाय ये सब पीने के लिए, और अभी हाईवे पे ही है और बस थोड़ा दूर और है घर से, लगभग 60 किलोमीटर था। और अभी हम लोग चाय पीने रुके, बहुत आज गर्मी है भाई। तो अभी हम जहाँ पे हमको टाइम मिला हम व्लॉग बना शूट कर लिए, क्योंकि बाहर तो नॉइज़ ही रहेगा, सब लोग है, तो इसीलिए हम अपनी कार के अंदर ही बैठ के शूट कर रहे हैं। इसलिए बहुत गर्मी है, इसलिए बहुत पसीना है। तो आपको दिखाते हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं। देखिए ये हमारा है हाईवे और इधर सब लोग चाय पी रहे हैं। देखिए यही हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं सीधा गांव में, मतलब सॉरी जहाँ पे अब तिलक है। तो चलिए मिलते हैं सीधा तिलक जहाँ पे होगा। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत बहुत अच्छा है यार, पेड़ पौधा एकदम भरा हुआ। आपको दिखाते एक सिनेमैटिक शॉट तो बनता है यहाँ का, क्या सही बात है, एकदम ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा, पूरा पेड़ से भरा हुआ है। क्या आओ भाई, इतना ही शर्माता है सब का जी, कितना सब्सक्राइबर है जो शर्मा रहे हो, शर्माना क्या है, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, शर्माता लड़का सब शर्माता रहता है। चलिए पहले आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं भाई, इतना मस्त, हम दिल खुश हो गया, गांव जैसा गांव भाई, जंगल लग रहा था हमको तो भाई, मस्त एकदम मस्त। आपको पहले दिखाते हैं, चलिए। तो देखिए आपको कैसा लगा, जनरेटर ये सब भाई चला दिया, कहीं शांति नहीं है हम लोग जैसे लोग को। तो देखिए भाई आपको कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो भी रस्म ये सब हो रहा है। चलो भाई चलो 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 चलो, चलो। गाइस देखिए ये हमारा तिलक का जो भी होता है रस्म ये सब स्टार्ट हो चुका है। तो यही है देखिए, और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दे देते हैं, क्योंकि फिर वो गीत ये सबसे तो मज़ा आने वाला नहीं है वीडियो में, इसलिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा दे देते हैं और इन्जॉय कीजिए। और फिर आपको मिलता है दो रस्म होता है, तिलक और फलदान।
तो तिलक तो हो गया, अब तिलक हो रहा है, अब फलदान में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। अब तिलक ख़त्म और अब फलदान हो रहा है, तो ये लास्ट है और फिर उसके बाद जो खाना ये सब होता है और उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, मतलब निकलेंगे। तो चलिए, फलदान भी हो गया, जो भी था हो ही रहा है, और फिर आपको मिलते हैं अब सीधा जब हम अपने घर पहुंचेंगे या रास्ते में होंगे, तब ब्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया। और फिर कल है मेहंदी, जो होता है मेहंदी एंड संगीत, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपको और फिर आपको एंड करेंगे अभी, तब तक के लिए। तो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और अभी आप देख सकते हैं बहुत रात हो गया, लगभग 9:30 बज रहा है अभी हम लोग निकले हैं तो, और घर पहुंचते पहुंचते 11 तो बजना ही है, ये तो एकदम तय बात है। और अभी धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि रात का समय है, ट्रक ये सब आता है, तो ज़रा आराम से, कोई नहीं, धीरे चलेंगे, सेफ पहुँचेंगे, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आराम से। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा बोरिंग तो लगा ही होगा हम जानते हैं, पर फिर भी एंजॉय कीजिए अभी, कभी हर चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए, कभी यही एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए vishal_26075 पे, और वहाँ पे आप हमारे कुछ पिक्स देखेंगे शादी के ही। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय।